नमस्कार एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं सूरन की सब्ज़ी। तो जैसे कि ये बहुत ही विचित्र दिखने वाली सब्ज़ी है, तो मैं चाहूँगी कि आपको इसके फ़ायदे बता दूँ और थोड़े से नुकसान भी बता दूँ। तो इसको खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसमें बहुत सारे जो है खनिज पाए जाते हैं, विटामिन्स बहुत, मिनरल्स बहुत अच्छे मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। और जैसे कि ये हैवी लुक दे रहा है, दिखने में बहुत हैवी है, बट मैं आपको बता दूं ये वेट लॉस करने में हेल्प करता है, कैंसर डिजीज़ के लिए फ़ायदेमंद होता है, लीवर डिजीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, जो शुगर से शुगर जिनको होती है उनके लिए खाना इसको फ़ायदेमंद होता है, और गठिया रोग जिसको होता है वो इसको खा सकते हैं। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप इसको गूगल कर सकते हैं। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स मैं आपको बता दूं, इसको प्रॉपर हमको पकाना पड़ता है, यदि हम इसको प्रॉपर नहीं पकाएंगे तो ये थ्रॉट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और जिसको सर्दी है या साइनस के जो लोग मरीज हैं उनको ये नहीं खाना चाहिए, लंबी सर्दी जिसको होती है उसको ये नहीं खाना चाहिए। तो आइए चलते हैं, इसको पहले हम इसको उबालना है, जैसे कि हम आलू को बॉईल करते हैं वैसे ही हमको इसको 2 to 3 विसल तक हम इसको उबालेंगे। और उसके लिए मैं जो है इसको छील लूँगी, यहाँ से इसका कवर हटा दूँगी, और यहाँ से भी जो है हम थोड़ा थोड़ा कवर इसका हटाते हुए इसको उबालने रख देंगे, क्योंकि ये हवा के संपर्क में आने से जो है इस तरीके का कलर हो गया है इसका। थोड़ा सा हम इसको छील देंगे यहाँ से भी, और उसके थोड़े से बड़े बड़े पीसेस करके हम इसको उबाल लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसको हमने जो है उबाल लिया है, ये मैंने इस टाइप के पीसेस कट कर लिए थे, और मैंने इसको 4 से 5 विसल तक जो है बॉईल कर लिया है। और यहाँ पर मैंने एक छोटे से टुकड़े को तोड़कर जो है चेक किया है कि ये अच्छे से पक गया है कि नहीं। अभी तो ये अच्छे से पक गया है, अब हम आगे इसकी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आगे के प्रोसेस के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल गरम किया है और उसको चेक कर लिया है कि प्रॉपर गरम हुआ है कि नहीं। अब हम आराम से एक पीस जो है इसका इसमें रख देंगे, देखिए, और फ्लेम जो है हमारी मीडियम कर देंगे हम। दूसरा पीस भी हम इसमें प्लेस कर देंगे, देखिए, अभी हम इन पीसेस को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। मैंने इसके छोटे छोटे से पीसेस इसलिए नहीं किए हैं ताकि वो ब्रेक ना हो जाए ऑयल में, इसलिए मैं बड़े पीस को ही जो है डीप फ्राई कर रही हूँ। पहले इसको मैं डीप फ्राई कर लूँगी, बड़े बड़े पीसेस जो है हमारे इनको पहले हम डीप फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद हम इसके जो है स्मॉल स्मॉल पीसेस करके इसकी सब्जी बना सकते हैं। तो अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जो ये वेजी है सूरन जिसको बोलते हैं, या एलिफेंट फूट यम, या फिर इसको जिमेकान भी बोला जाता है, इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा लगता है और ऑयल का यूज़ हमें ज़्यादा करना भी पड़ता है, नहीं तो यदि हम इसको प्रॉपर ऑयलिंग नहीं करेंगे या ऑयल में नहीं पकाएंगे अच्छे से तो ये जो है मुंह में लगने लगता है। इसको हम अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे, जो अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए इसका। फ्लेम अपने हिसाब से, जैसे कि हमको लगे कि ऑयल ठंडा हो गया है तो थोड़ा सा कम ज़्यादा हम फ्लेम अपने अकॉर्डिंग जो है करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो गया है, थोड़ा थोड़ा गोल्डन हो गया है। अब हम इनको आराम से जो है ऑयल से सेपरेट कर लेंगे, निकाल लेंगे ऑयल से। तो फ्रेंड्स आगे हमने एक मिट्टी की हांडी ली है, इस विशिष्ट देसी सब्जी को हम देसी स्टाइल में बना रहे हैं मिट्टी की हांडी में। तो अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ, मैंने यहाँ पे ऑयल गरम करके रख लिया है, इसको चेक कर लेते हैं हम, ये प्रॉपर गरम हो चुका है। हम इसमें डाल देते हैं 1/2 चम्मच जीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4-5 काली मिर्च और तेज पत्ता मैंने इसमें डाल दिया है, ये जो मसाले हैं देखिए ये प्रॉपर हो गए हैं। और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ, हाँ एक और चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने जो ये ऑयल लिया है ये मैंने अच्छा 2 बड़ा चम्मच या 2 से 2.5 बड़ा चम्मच भर के अच्छे से ले सकते हैं, इसमें तेल अच्छे से लगता है। ये सब्जी में मैंने डाल दिया है प्याज की प्यूरी, प्याज लहसुन एंड अदरक की प्यूरी हमने इसमें डाल दी है। यहाँ पर हमने लहसुन लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के, मैंने प्याज लिए हैं, लहसुन लिए हैं 7 से 8 लहसुन की कलियाँ,
और एक अच्छा बड़ा मतलब 1 से 1.5 इंच टुकड़ा जो है हमने अदरक का ले लिया है। हम इस प्याज को जो है एक अच्छा सा कलर आने तक भूनेंगे। और फ्रेंड्स इसमें हम डाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट, जैसे कि मैं हमेशा प्याज में ही सॉल्ट डाल देती हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट, तो हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैंने यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर दिया है, जैसे कि प्याज जो है जल्दी से पक जाएगी। जब तक हमारी प्याज पक रही है तब तक मैं आपको बता दूं, मैंने इस सूरन को जो है इस साइज में जो है कट कर लिया है। देखिए इस साइज में हम कट कर लेंगे, तो अब आप देख सकते हैं प्याज जो है हमारी पक चुकी है, ऑयल जो है सेपरेट कर दिया है इसने, पिंक कलर की हो गई है। और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ टमाटो प्यूरी। ये मैंने 4 अच्छे बड़े टमाटर की प्यूरी बनाई है। इस सब्ज़ी में हमको खटाई जो है अच्छे से डालनी होती है, चाहे आप टमाटर का यूज़ करें या इमली का या अमचूर का। तो हमने यहाँ पर 4 बड़े टमाटर जो हैं उनकी प्यूरी तैयार करके इसमें डाल दी है, और हम इसको प्यूरी को भी अच्छे से पकाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं टमाटो प्यूरी ने भी ऑयल जो है छोड़ दिया है, मतलब ये अच्छे से पक गई है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ कुछ सूखे मसाले, जैसे कि मैंने 1.5 चम्मच लाल मिर्च का यूज़ किया है, 1 चम्मच सूखा धनिया और 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर का यूज़ किया है। यहाँ पर हमने जो लाल मिर्च यूज़ की है वो कश्मीरी लाल मिर्च है, जिससे कि सब्ज़ी में एक अच्छा सा कलर आ जाए। देखिए थोड़ी सी 1-2 मिनट तक हम इन मसालों को भी इसमें भून लेंगे। और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ ये सूरन, इसको हम आराम से इसमें चलाएंगे। सूरन की प्रॉपर्टी होती है कि ये टूट जाता है पकने के बाद, तो हम आराम से मसाले में जो है मैश करेंगे इसको, फरी मतलब मिक्स करेंगे आराम से इस तरीके से। ये देखिए बस हमको इसको 2 मिनट्स तक इस मसाले के साथ पकाना है। 2 मिनट्स तक, जब तक ये मसाले के साथ पक रहा है तब तक हमने वाटर जो है बॉईल होने रख दिया है। हम इसमें गर्म पानी डालेंगे, तो फ्रेंड्स आफ्टर 2 to 3 मिनट्स हम इसमें डालने जा रहे हैं बॉइलिंग वाटर। जैसी कंसिस्टेंसी, जितनी पत्ती सब्जी आप खाना चाहते हैं उतना पानी आप ऐड कर दें। हम इसको चला कर देखेंगे। थोड़ा सा पानी और डालूंगी मैं, क्योंकि इसका रसा जो है वो बहुत ही टेस्टी लगता है, सब्जी तो है ही टेस्टी। इसको मैं थोड़ा सा वाटर और ऐड करूंगी, क्योंकि अभी ये उबलने में थोड़ा सा और वेपराइज हो जाएगा। देखिए आप, वाओ मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। चलिए इसको हम उबलने देते हैं अभी मीडियम फ्लेम पर, ताकि जो मसाले का जो फ्लेवर है वो हमारे जिमीकंद में उतर आए अच्छे से। इसको हम अभी 4 to 5 मिनट्स इसको उबलने देना चाहिए हमें। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी जो है बनकर तैयार है, एकदम मज़ेदार। मैं इसमें डाल दूंगी गार्निशिंग के लिए और एक अच्छे से टेस्ट के लिए ये बहुत सारा हरा धनिया, इसको मिक्स कर देंगे हम। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके बताएं, इसको ट्राई ज़रूर करें और कैसी लगती है बताएं टेस्ट करके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।